महापुरुष के देने का तरीका होगा कि वो तीन चार प्रकार से शिष्यों के भक्तों के ऊपर अपना आशीर्वाद और कृपा बरसाते हैं। एक तो शाम्भवी दीक्षा जिसको बोलते हैं कि नजरों के द्वारा, और दूसरा संकल्प के द्वारा कि वस्तु को संकल्प करके दे दिया और आपने खाया और आपके तमाम दुख दर्द मुसीबत छू जैसे कुछ है ही नहीं, बड़ा जरूरी दुनिया थी जाए कि मेरे लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। एक ऐसा आत्मबल, एक ऐसा मनोबल, प्राण बल भीतर जाग जाता है। एक दृष्टि से, एक संकल्प से, एक स्पर्श से, ये तीन प्रकार से। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के ऊपर स्पर्श दीक्षा दे दी, हमने तो कहीं थवा मार दूंगा, हम कंपन कंपन जीव थवा मार दी। तो जब पहली बार रामकृष्ण से मिलके विवेकानंद आए, नरेंद्र थे उस समय, तो विवेकानंद तो पछी बने, पहला नो एमनो नाम नरेंद्र हतु, तो पछी हमने कहीं थवा मार दी। ए आत्मकथा में लिखे छे कि मैंने सोचा कि ये बनाने बाबा ने मेरे ऊपर पता नहीं क्या कर दिया, अब मैं तो दूसरी बार कभी ना जाऊं, पता नहीं करूं टूनू टोटकू करी नाखी तो हूँ आम हंडवा मार दियो, मैंने आम कम कम छूटवा मार दी। पछी धीमे धीमे जारे हमने समझायू, अरे वो तो उनका शक्ति थी, वो जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को उन्होंने काटा, उन्होंने मिटाया, कृपा कटाक्ष, कृपा कटाक्ष बोलते, कटाक्ष मतलब काट देता है जन्म जन्मांतरों की दुष्वृत्तियों को, कुसंस्कारों को, शुद्धम बुद्धम महाशुद्धम एकदम शुद्ध कर देता, भूल जो हरू करी नाखे, अरे गमे कितला पाप कर्या हो, गमे कितला अपराध कर्या हो, खोटा से खोटा काम कर्या हो, लेकिन जैसे अग्नि भस्म कर देती है कूड़े करकट के ढेर। खेतर में अपने गहू गहू काटने जाते हैं, पछी कचरो कचरो सड़गा हो, एक चापी रहने का दुश्वा वो जमीन के लिए हिता में रहता, सारो पाप थतो। ऐसे आज तक के जितने भी आपके शुभाशुभ कर्म है, खोटे कर्म, मिश्रित कर्म, जितने भी हैं वो सारे छू सा एकदम शुद्ध। बर्तन को गर्म करते हैं फिर कलाई हो जाती है, ऐसे ही वो जो उनकी कृपा दृष्टि है वैसा गर्म कर देती है, ऐसी आग है। और फिर ज्ञानांजन शलाकया, आंखें तो वही की वही है, इन्हीं आंखों में अंजन लग जाता है ज्ञान का। फिर दुनिया तो रहती जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन उसमें रहने का तरीका बदल जाता है, जीने का रंग और जीने का ढंग बदल जाता है। फिर जो मुश्किल लग रही थी तुम्हारे लिए, वही मुश्किल उस समय फिर आसान लगने लग जाती है। कि ये काम तो मेरे लिए बड़ा असंभव सा प्रतीत हो रहा था, बड़ा मुश्किल था, और वही काम अब मेरे लिए आसान। तो जो मुश्किल को आसान बनाए उसे गुरु कृपा कहते हैं, जो कठिन को सरल बनाए उसे गुरु कृपा कहते हैं, और जो शिष्य को सत शिष्य बनाए उसे गुरु कृपा कहते हैं, और जो सत शिष्य को सदगुरु के पद पर अभिषिक्त कर दे उसे गुरु कृपा कहते हैं। गुरु भगवान की जय, गुरु भगवान की जय, गुरु भगवान की जय, गुरु भगवान की जय। ईश्वर कृपा हकीकत में दोनों एक है। ईश्वर गुरु रात में मूर्ति भेदे विभागिनो,
कि दिखने में तो दो अलग अलग है, कि एक चतुर्भुजी एक द्विभुजी, एक क्या, एक को देखो तो चार हाथ है, शंख चक्र पद्म गदा, विष्णु भगवान है, गुरु को देखे तो दो हाथ है। एक मुख वाले ब्रह्मा जी, दो हाथ वाले विष्णु, यो चतुर्वदनो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने तो चार मोढ़ा थे, हमारा गुरु जी ने तो एक मोढ़ू थे, पर तो ब्रह्मा जी की ओछा न थी। श्रद्धा और श्रद्धा ही कृपा का फल देती है, और अश्रद्धालु है तो कृपा क्या करेगी। बरसात पड़ी रहे पर तुम्हारा जो बहुनू छे पात्र ऊंधू करे मुखी दो दे की टिकू ना हो पानी, सीधा करो तो जितना तुम्हारा बर्तन बड़ा उतना चलो छत भर जाएगा। दिसंबर साईं सुदर्शनम मंथली मैगजीन मार्गशीर्ष महीना मैं फिर आपके सामने हूँ। क्या हालचाल है, आनंद में हो? हर महीने इसी प्रकार हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। इस मार्गशीर्ष दिसंबर महीने में दो एकादशियां आती है, एक आती है उत्पन्ना एकादशी और दूसरी आती है मोक्षदा एकादशी। दोनों की अपनी अपनी महिमा है, और उत्पन्ना एकादशी के बारे में युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछते हैं, भगवान मधुसूदन इस एकादशी की आप कथा बताएं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सतयुग की बात बता रहा हूं। सतयुग में एक असुर था जिसका नाम था मुर, बड़ा विलक्षण था, उग्र था, स्वर्ग उसने देवताओं से खाली करवा दिया, देवता सारे भयभीत थे और शंकित थे। देवताओं का मृत्यु लोक में रहना ये भी तो देवताओं की शोभा से बाहर, करें तो करें क्या। देवता और इंद्र सारे मिलके गए महादेव जी के पास, कोई उपाय बताएं। उस मुर्दानों ने हम सबको निकाल दिया है।